मनीष कश्यप की जो विचारधारा है और जिस विचारधारा से वो पत्रकारिता करते हैं, मेरा उनका बहुत डिफरेंट है, लेकिन एज ए पत्रकार मैं उनका समर्थक हूँ। पत्रकार के ऊपर FIR हुआ है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कल वो बिहार की राजनीति में सक्रिय जरूर होंगे, मतलब ये इस FIR से तो मैं कंफर्म हूँ। आप देख लीजिएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है कि चाहे विधायक सांसद कुछ भी लड़ाई तो वो लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो जनता का फैसला रहेगा, लेकिन वो राजनीति में तो आने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी विचारधारा, पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और स्तंभ के साथ ये सरकारें अगर खिलवाड़ करेंगी, ये नेता, मतलब कि मैं क्या कहूँ, उल्टा सीधा मुंह से ना निकले इसका बड़ा विशेष ध्यान देता हूँ, क्योंकि फिर मुझमें और मनीष कश्यप में अंतर नहीं रह जाएगा क्योंकि मनीष कश्यप कुछ भी बाउंडर बतिया देते हैं, तो मैं उस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं मनीष कश्यप, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि मनीष कश्यप आज के डेट में वो चेहरा है जिन्होंने लाखों हजारों लोगों की मदद की है अपने पत्रकारिता के माध्यम से, बिहार के हालात को दिखाया उन्होंने। कितनी भी सरकार रही हो, चाहे लालू जी की सरकार रही हो, चाहे नीतीश जी की सरकार रही हो, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। 75 साल से आप लोग किस तरह से राज कर रहे हैं कि बिहार में आप लोग नौकरी नहीं दे पा रहे बिहारियों को, सारी चीजें। और रही बात मनीष कश्यप के ऊपर FIR की, तो शर्म आनी चाहिए और शर्म नहीं आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी अगर दाएं बाएं से कहीं मिल जाए तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए कि आजादी के 75 के लोगों को बाहर के राज्यों में जाके नौकरी क्यों करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जाए तो महाराष्ट्र वाले लोग मार के भगाएं। गुजरात दोस्तों, आजाद देश भारत के आजाद राज्य बिहार में अब ऐसा लगता है कि पत्रकारों पर प्रतिबंध लगने वाला है। बिहार में चारों तरफ जो भी पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है, जन लोगों की आवाज उठा रहा है, उनके ऊपर FIR कर दिया जा रहा है उनकी आवाज को दबाने के लिए। हाल फिलहाल अभी देखा जा रहा है मनीष कश्यप जी के ऊपर FIR किया गया है, पूरे बिहार में कंट्रोवर्सी बनी हुई है, पूरे भारत में नंबर वन पे वो ट्रेंड कर रहे हैं, उनका ट्वीट नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है, वी सपोर्ट मनीष कश्यप, आई स्टैंड विद मनीष कश्यप, सब लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में आके खड़े हुए हैं अभी। और अभी हमारे साथ विकास गोस्वामी जी मौजूद हैं जो कि इनसाइड TV भारत के फाउंडर हैं, और इनसे हम बात करेंगे। हाल फिलहाल इन पर भी FIR किया गया है, इनसे हम जानेंगे पत्रकार लोग पर FIR क्यों हो रहा है। सर पहले ही बताइए, ये कोई नई बात थोड़ी ना यार। आपके सारे दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और पत्रकारों के ऊपर FIR होना ये नई बात नहीं है, मतलब कि हम लोग इस जो ये नई पीढ़ी है, हाँ, ये पहली बार इस चीज़ों को नहीं झेल रही है। वो आप अगर आपको याद होगा, मतलब कि अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में कई, मतलब कि जब जब शासन प्रशासन से, शासन सत्ता से सवाल किया गया है, चाहे वो अंग्रेजों का दौर रहा हो या फिर ये मौजूदा सरकार, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी जो पत्रकारों के ऊपर मुकदमे का दौर है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। रवीश कुमार की मुझे वो लाइन बार बार याद आती है जब कोई ये सवाल मुझे पूछता है कि भारत में पत्रकारिता का कभी स्वर्णिम युग था ही नहीं, अच्छा, लेकिन भस्म युग भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, ऐसा मतलब कि इस तरह से जो दबाया जा रहा है ये भी नहीं था, एक इमरजेंसी वाला दौर और हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। और रही बात मनीष कश्यप के ऊपर FIR की, तो शर्म आनी चाहिए और शर्म नहीं आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी अगर दाएं बाएं से कहीं मिल जाए तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार के लोगों को बाहर के राज्यों में जाके नौकरी क्यों करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जाए तो महाराष्ट्र वाले लोग मार के भगाएं, गुजरात में जाए तो गुजरात वाले, कुछ भी थोड़ा सा बात हो तो बस वो तुरंत लोग राज्य बनाम राज्य करके और बिहारियों को हमेशा मार के खदेड़े। बिल्कुल, आज़ादी तब भी बिहार को भी तभी मिली, गुजरात को भी तभी मिली और भारत के अन्य राज्यों को तभी मिली, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्या ऐसा कारण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी भी बिहार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं कर पाया, नौकरी का सिस्टम इतना मजबूत नहीं कर पाया कि बिहार के जो मजदूर तबके के लोग हैं वो यहीं पे रह के अपनी कमाई का जरिया बना के यहीं पे कमा खा सकें। ऐसा बिहार सरकार ने, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे लालू जी की सरकार रही हो, चाहे नीतीश जी की सरकार रही हो, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। 75 साल से आप लोग किस तरह से राज कर रहे हैं कि बिहार में आप लोग नौकरी नहीं दे पा रहे बिहारियों को। और अगर बात बतियाना हो तो लंबा लंबा बात बतियाएंगे, नीतीश जी का सरकार बनेगा तो लालू यादव को कोसेंगे, लालू यादव का सरकार बनेगा तो भाजपा को कोसेंगे, भाजपा वालों का गठबंधन का सरकार बनेगा तो वो लालू को, नीतीश को, पप्पू को, मतलब आपस में एक दूसरे को कोस के सरकार बना लेना है, लेकिन अगर नहीं कुछ करना है तो वो आम जनता के लिए काम नहीं करना है, सिर्फ बड़ी बड़ी ड्रामेबाजी करनी है, मैं सबको कह रहा हूँ। और हो सकता है कि एक तो सबसे बड़ा इसमें देखिए, इसमें इनकी भी गलती नहीं है जी,
ये लोग वही कर रहे हैं जो यहाँ की जनता चाह रही है। यहाँ की जनता जाति के नाम पे अपना कोई आइडियल चुन लेगी, जाति के नाम पे एक नेता चुन लेगी। अब वो नेता सही कर रहा है तब वो जिंदाबाद, गलत कर रहा है तब वो जिंदाबाद। जब तक इस देश में यह चलेगा तब तक इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। और यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हर राज्य की बात है। जब हम अपने जाति के नाम पे वोट करेंगे, अपना नेता चुनेंगे, किसी नेता को आइडियल मान लेंगे, वो नेता चाहे कुछ भी कर रहा हो, अच्छा कर रहा है तब भी जिंदाबाद कर रहे हैं, बुरा कर रहा है, घटियाई चोरी चमारी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तब भी जिंदाबाद करेंगे, तो ऐसे यह देश सिर्फ गर्त में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मनीष जी लाइव आके बोले थे कि अगर तेजस्वी जी अगर उन पर FIR करते गिरफ्तार होते हैं तो 180 दिन के अंदर उनकी सरकार गिरा सकते हैं, क्या इस पर बोलना चाहिएगा? देखो आप ये मतलब कि इसका मैं समर्थन नहीं करूंगा। देखिए मनीष कश्यप की जो विचारधारा है और जिस विचारधारा से वो पत्रकारिता करते हैं, मेरा उनका बहुत डिफरेंट है, लेकिन एज ए पत्रकार मैं उनका समर्थक हूँ। पत्रकार के ऊपर FIR हुआ है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उनका अलग स्टाइल है, उनका अलग तरीका है, और आपने मुझे देखा होगा मेरा अलग तरीका है। मैं जो है मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ जी, चाहे वो कांग्रेस हो कांग्रेस से सवाल करता हूँ, चाहे वो भाजपा हो भाजपा से सवाल करता हूँ। और भैया गोरखपुर में रह के, उत्तर प्रदेश में रह के और उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल करना, हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर मैं कंपेयर करूं तो बिहार की सरकार से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी जब उत्तर प्रदेश में कोई भी कमी होती है तो सीना ठोक के आंखों में आंखें डाल के सवाल करता हूं। और वही कारण है कि FIR जो आपने जिक्र किया, शायद उसी वजह से, शायद नहीं कंफर्म 100% उसी वजह से वो FIR मेरे ऊपर हुआ था। हालांकि अब वो FIR का क्या आगे होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी विचारधारा के रहिए, किसी भी विचारधारा, पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इस स्तंभ के साथ ये सरकारें अगर खिलवाड़ करेंगी, ये नेता मतलब कि मैं क्या कहूँ, उल्टा सीधा मुंह से ना निकले, इसका बड़ा विशेष ध्यान देता हूँ, क्योंकि फिर मुझमें और मनीष कश्यप में अंतर नहीं रह जाएगा क्योंकि मनीष कश्यप कुछ भी बाउंडर बतिया देते हैं, तो मैं उस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं मनीष कश्यप, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि मनीष कश्यप आज के डेट में वो चेहरा है जिन्होंने लाखों हजारों लोगों की मदद की है, अपने पत्रकारिता के माध्यम से बिहार के हालात को दिखाया उन्होंने, और वो हालात बस से बदतर है, और उसको दिखाना बहुत साहसिक काम है। हालांकि चूंकि वो कभी RSS में थे तो इसलिए एक मुसलमान का बड़ा तबका और तेजस्वी यादव का के समर्थन का एक बड़ा तबका उनका बहुत ज़्यादा घोर विरोधी है। अच्छा है, इसमें अच्छा वाली बात नहीं है, आप अपने बिहार में आप देख लीजिए, कोने कोने से जहाँ पे भी लोग हैं उनको देखिए, तो सब मिला जुला के आपको यह समझना होगा कि जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, जिनके नाम के बाद आप जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि गलत। अगर गलत कर रहे हैं तो सिर्फ आप इस वजह से उनका सपोर्ट मत कीजिए ना कि वो आपके बिरादरी के हैं। आपके उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल देखा गया जो नेहा सिंह राठौड़ है, उन्होंने गाना गाया था यूपी में काबा, उसके खिलाफ देखा गया योगी सरकार ने उनके घर पुलिस भेज दी, घटना थी। नेहा सिंह राठौड़ को जो नोटिस गया वो बहुत ही ज्यादा, उसकी घोर निंदा करता हूँ। मनीष कश्यप की FIR की भी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि पत्रकारों को, लोक कलाकारों को, गीतकारों को अगर सवाल पूछने नहीं दिया जाएगा, उनके सवाल पे अगर आप हथकड़ी पहनाने लग जाएंगे तो लोकतंत्र कहाँ का लोकतंत्र भैया, फिर आप फिर राजतंत्र घोषित कर दीजिए, सही बात, खत्म कर दीजिए, कह दीजिए लोकतंत्र भारत से खत्म है, किस बात का लोकतंत्र। अंत में आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा आपके फेवर में हम जाना चाहेंगे, पत्रकार चाय वाले का नाम सब ज्यादातर फेमस है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? आपका स्टॉल काफी ज्यादा लोग देखते हैं, मनीष जी भी वहाँ पे हाल फिलहाल वीडियो बनाए थे, काफी ज्यादा वायरल हुआ था, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए आपके बिहार से मुझे लगता है कि जितने भी बड़े यूट्यूबर और मतलब कि डिजिटल मीडिया के चैनल हैं सब लोग वहाँ पे आए थे, और मैंने वहाँ पे मतलब सब लोगों ने चाय पिया। ऐसा बाबू कि मैं पहले नोएडा में काम करता था इसी फील्ड में, तो मैं वहाँ का सेटअप और सिस्टम जानता हूँ, तो मैं चाहता था कि मतलब कि उस AC के कमरों तक सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो मैं एक ऐसा आउटडोर स्टूडियो बनाना चाहता था जहां पे आम जनता भी आ सके और बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया जा सके। जब मैंने उसका पहला शो किया था तो उस क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से MLC भी हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आप यूँ कह सकते हैं कि पूर्वांचल के एक बड़े नाम हैं, तो उनको मैंने बुलाया। उसके बाद से फिर वहाँ पे गरीब जो जनता है या फिर जो असहाय जनता है या फिर किसी को अपना दुख सुख कहना रहता है तो लोग वहाँ पे मतलब कि थोड़ा, मैं हमेशा वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता हूँ, लेकिन जब मैं रहता हूँ तो लोग आते हैं, वीडियो काफ़ी सारी आती रहती है, हाँ तो वहाँ पे लोग आते हैं, तो एक वो आउटडोर स्टूडियो है जहाँ पे, ये मेरा ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, दिमाग में आया तो मैंने उसको शुरू कर दिया। पत्रकार चाय वाला, हालांकि अभी विकास गोस्वामी के नाम से भी लोग जानते हैं, इनसाइड भारत TV वाला पत्रकार के नाम से भी लोग जानते हैं, और पत्रकार चाय वाला के नाम से भी लोग जानते हैं, तो पत्रकार चाय वाला अभी नहीं भैया, अभी 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 रखिए, पत्रकार चाय वाला जो है हमारा जो शो है उसके नाम से भी लोग जानते हैं जी। 2024 में
मनीष जी बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाएगा तो हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्या सच बोल रहे हैं कैसे हवाबाजी बोल रहे होंगे? अब यार मनीष कश्यप का कुछ कॉन्सेप्ट होगा वही जानेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ इतना कहूँगा कि मनीष कश्यप जी को मतलब कि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनका मंशा साफ है कि आज नहीं तो कल वो बिहार की राजनीति में सक्रिय जरूर होंगे। मतलब ये इस FIR से तो मैं कन्फर्म हूँ, आप देख लीजिएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है कि चाहे विधायक सांसद कुछ भी लड़ाई तो वो लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो जनता का फैसला रहेगा, लेकिन वो राजनीति में तो आने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।